सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं पुनः आपके समक्ष श्रीमती अनिका प्रकाश, शासकीय उच्चतर परी से मैं आज कक्षा 6वीं विषय संस्कृत पंचदशा पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यापन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। बच्चों, फिर से आज पढ़ाई तुहर द्वार यह कार्यक्रम जो चल रहा है, निरंतर रूप से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है, जो आपके पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो रहा है। निश्चित ही आप इसका लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और आगे भी आप लाभ प्राप्त करते रहे होंगे। इसी आशा के साथ यह कार्यक्रम अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। तो देखेंगे हमारे स्क्रीन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। आप सभी इनसे रूबरू होंगे कि यह कौन है, या हमारे देश के लिए इन्होंने क्या किया, या हमारे बीच इतने लोकप्रिय क्यों हैं। लोकप्रिय क्यों हैं, या लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं, और इनकी विशेषताएं क्या है, आज इनके पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पूर्व परिचय में आपको बता दूं कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यह कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते हैं। और यह बच्चों के लोकप्रिय होने के कारण, बच्चों के बीच लोकप्रिय होने के कारण यह चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं। और चाचा नेहरू के नाम से जाने ही नहीं जाते हैं, बल्कि इनका जन्म दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भी वे भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में अपना योगदान दिए थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। इनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था, और इनकी मृत्यु 27 मई सन 1964 ईस्वी में हुई थी। आप चाहें तो इन्हें नोट करके रखें, क्योंकि इनका जीवन परिचय लिखने के लिए दिया जाएगा, मैंने दिया भी है। तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, कृपया इसे आप नोट डाउन करके रखेंगे। इनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 27 मई सन 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू और इनकी पुत्री इंदिरा गांधी के रूप में जानी जाती है। ये बैरिस्टर, लेखक और राजनीतिज्ञ के रूप में हमारे बीच बहुत ही लोक प्रिय रहे हैं और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। इनके द्वारा अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी गई है। कारागार में रहकर, जेल में रहकर भी इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और इनकी एक पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुई है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इस तरह से हम आगे और भी चर्चा जारी रखेंगे इनके विषय में, इनके जीवन के विषय में, इनके द्वारा किए गए कर्म और इनके द्वारा किए गए कार्य के विषय में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारतवर्षस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। सः स्वतंत्रता संग्रामे स्वेच्छया गतः। तदा महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनस्य नेतृत्वं करोति स्म। जवाहरलाल नेहरू महोदयः स्वतंत्र भारत वर्षस्य, स्वतंत्र भारत वर्षस्य का अर्थ है स्वतंत्र भारत वर्ष के। प्रथमा का मतलब है पहले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री
आसीत का मतलब थे। जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारत वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देश में आदेश की जब आजादी हुई थी तो आजादी के बाद सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। तो जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारत वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सह सह का मतलब वह है। सह स्वतंत्रता संग्राम में वह स्वतंत्रता संग्राम में स्वेच्छयागतः स्वेच्छा से आए स्वेच्छया स्वेच्छाधन आगतः स्वेच्छा से आए तदा तब महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलनस्य नेतृत्वं करोति स्म। तब महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। क्या हुआ इसका अर्थ? जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारत वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी इच्छा से आए और तब उस समय महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। देखते हैं आगे। महात्मा गांधी का भी चित्र दिखाया गया है। आप लोग इन्हें पहचानते होंगे जो हमारे राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। शब्दार्थ देखेंगे। स्वतंत्र भारत वर्षस्य स्वतंत्र भारत वर्ष के प्रथमः पहले आसीत का मतलब थे। सह वह स्वतंत्रता संग्रामे स्वतंत्रता संग्राम में और स्वेच्छया अपनी इच्छा से आगता का मतलब है आ गए। तदा का मतलब है तब। यहाँ पर करोति शब्द आया था जो क्री धातु है इसका मूल शब्द और लट लकार वर्तमान काल में है। करोति कुरुत कुर्वन्ति करोषि कुरुथ कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः। इस तरह से यह रूप चलाया जाता है धातु रूप। इसके बाद देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। अस्य जनकः श्री मोतीलाल नेहरू माता स्वरूप रानी कमला धर्म पत्नी इंदिरा च एक सुता विजय लक्ष्मी पंडित भगिनी आसीत। आंग्ल देशे कैम्ब्रिज इति विश्वविद्यालये शिक्षा समाप्य स्वदेशे समागतः। तदा प्रभृति सह स्वजीवनस्य लोकार्पणम् अकरोत्। अस्य जनकः अस्य मतलब इनके जनक का मतलब पिता श्री मोतीलाल नेहरू इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू माता स्वरूप रानी और इनकी माता स्वरूप रानी इनके बारे में बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में बात हो रही है कि इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता स्वरूप रानी और इनकी पत्नी कमला धर्म पत्नी और इनकी पत्नी कौन थी? कमला। इंदिरा च एक सुता और इंदिरा एक पुत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित भगिनी आसीत और इनकी एक बहन भी थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका अर्थ देखते हैं। इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। इनकी पत्नी का नाम कमला और इनकी एक पुत्री का नाम एक ही पुत्री थी और उनका नाम था इंदिरा गांधी जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। और इनकी एक बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। इनकी बहन का भी चर्चा किया गया है क्योंकि इनकी बहन भी इनका भी जन्म नेहरू परिवार में हुआ था क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित और चाचा नेहरू दोनों ही भाई बहन हैं और इन्होंने भी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है हमारे भारत को स्वतंत्र करवाने में। और यह प्रथम महिला थी कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रही है हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और यह राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी और ये राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रही हैं। आंग्ल देशे कैम्ब्रिज इति विश्वविद्यालये शिक्षा समाप्य स्वदेशे समागतः।
आंग्ल देशे का मतलब है इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा समाप्य अर्थात शिक्षा को समाप्त कर स्वदेशे समागता, शिक्षा को समाप्त कर वे अपने देश में आ गए। इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के पश्चात वह अपने देश भारत लौट आए, वापस आ गए। तदा प्रभृति ही सह स्वजीवनस्य लोकार्पणम अकरोत्। तदा का मतलब है तब से, प्रभृति का मतलब है लेकर, तब से लेकर आज तक, मतलब तब से लेकर वह अपने जीवन को लोकार्पण कर दिए। किस चीज के लिए? अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। अब देखते हैं इनके पिताजी का वर्णन किया गया था मोतीलाल नेहरू और इनकी माता स्वरूप रानी। तो यह ऊपर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है यह जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, और माता स्वरूप रानी जो आपको दिखाई दे रही हैं, और उनके नीचे, पिताजी और माताजी के नीचे है विजय लक्ष्मी पंडित, जो जिनके विषय में मैंने बताया कि यह राजदूत का भी काम कर चुकी हैं, और इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी, स्वतंत्रता भारत के आज़ादी के पहले भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर ही यह रह चुकी हैं। इस पैराग्राफ में आए हुए शब्दार्थ और अव्यय को देख लेते हैं। शब्दार्थ में है अस्य का मतलब है इसका, जनका का मतलब है पिता, भार्या का मतलब है पत्नी, च का मतलब है और, एक सुता का मतलब है एक पुत्री, भगिनी बहन, इसकी चर्चा की गई है। आप लोग इसे देखकर आप अपना जीवन परिचय लिख सकते हैं, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपने भाई बहनों का नाम, भाई को क्या कहते हैं, बहन को क्या कहते हैं, पुत्र को क्या कहते हैं, पुत्री को क्या कहते हैं, सबका यहाँ पर अर्थ बताया गया है। आप इसकी सहायता से लिखने की कोशिश करेंगे। अव्यय, अपि का मतलब है भी, तरही का मतलब है तो, च मतलब और, अद्य मतलब आज, सर्वत्र मतलब सभी जगह। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जवाहरलाल कृपालु सहृदय वाग्मी विधिज्ञ च आसीत्। महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कथ्यते तरही नेहरू राष्ट्र निर्माता। जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कृपालु, कृपालु का मतलब होता है दयालु, बहुत ही वह दयालु प्रवृत्ति के थे। लोगों की सेवा करना, लोगों पर परोपकार करना, दूसरों को जिस चीज की आवश्यकता होती है उन पर दया दिखाना, मतलब बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के यह व्यक्ति थे। सहृदय, सहृदय का मतलब होता है स्वच्छ हृदय वाले, मतलब यह जवाहरलाल नेहरू जो थे इनका व्यक्तित्व स्वच्छ हृदय वाले भी थे और दयालु भी थे। मतलब एक इंसान के अंदर जो इंसानियत पाई जाती है वह हमारे जवाहरलाल नेहरू के हृदय में समाहित था। स्वच्छ हृदय के थे, दयालु थे। वाग्मी, वाग्मी का अर्थ होता है वाक्पटुता अर्थात भाषण कला में निपुण। और विधिज्ञ, विधिज्ञ का मतलब है विधि शास्त्र और या न्याय शास्त्र को जानने वाले। च का मतलब और आसीत का मतलब थे। मतलब चार शब्दों में जवाहरलाल नेहरू की विशेषता को बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही दयालु थे, कृपालु थे, स्वच्छ हृदय वाले थे, भाषण देने की कला में वे बहुत ही निपुण थे, और विधि शास्त्र और न्याय शास्त्र में के भी वह ज्ञाता थे। भाषण कला में निपुण से तात्पर्य यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति धीर, गंभीर और मृदु वाक्य बोलना जान जाता है, सीख लेता है, चाहे तो यह हमारे संस्कार में होता है या हम इसे आगे चलकर इसे सीखते हैं, तो यह भी एक भाषण कला का एक
पॉइंट है कि उसमें व्यक्ति को मृदुभाषी, गंभीर और वाक्य बोलने की कला ही हमारा भाषण कला में निपुणता को बताता है। विधिज्ञा, विधि शास्त्र का मतलब न्याय शास्त्र से है, जिसके अंतर्गत समस्त वैधानिक सिद्धांत विधि शास्त्र में ही निहित है। तो ये चारों विशेषताएं थी इनकी। महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कथ्यते, कथ्यते का मतलब कहे जाते हैं, तरही, तरही का मतलब है तो, नेहरू राष्ट्र निर्माता, तो नेहरू जी राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कहे जाते हैं तो नेहरू राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हमारे राष्ट्र निर्माता के रूप में लोगों के बीच जाने जाते हैं। इनका योगदान, इनकी सहभागिता इन्हें राष्ट्र निर्माता की उपाधि भी प्रदान करती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ में आए शब्दार्थ कृपालु, बता चुकी हूँ कृपालु का मतलब दयालु, दया करने वाला व्यक्ति, सहृदय, स्वच्छ हृदय वाला, वाग्मी, भाषण कला में निपुण, विधिज्ञ, विधि शास्त्र के ज्ञाता। संधि विच्छेद देखते हैं। अद्यापि, अद्यधन अपि, समागतः, सम धन आगतः, सम में हलंत लगेगा, मज में हलंत छूट गया है, सम धन आगतः, लोकार्पणम, लोक धन अर्पणम। यह पाठ में आए हुए संधि विच्छेद है, आपकी बुक में भी यह अभ्यास कार्य में दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेहरू लेखक अपि आसीत्, तेन लिखितानि बहूनि पुस्तकानि सन्ति, नेहरू साहित्यम लोकप्रियमस्ति, अद्यापि सर्वे तानि पुस्तकानि पठन्ति, ज्ञान समृद्धा च भवन्ति। पुस्तकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेहरू लेखक अपि आसीत्, नेहरू लेखक भी थे, अपि का मतलब भी, आसीत का मतलब थे, नेहरू लेखक भी थे। तेन लिखितानि, तेन का मतलब है उनके द्वारा लिखित, बहुनी पुस्तकानि संति, उनके द्वारा लिखित बहुत सारी पुस्तकें हैं। नेहरू साहित्य लोकप्रियमस्ति, और नेहरू जी का साहित्य लोकप्रिय है। अद्यापि, अद्यधन अपि, अद्य भी यहाँ पर अव्यय है, अपि का मतलब भी, अद्य का मतलब आज, आज भी सर्वे, सभी तानि, तानि का मतलब क्या हो गया, उनकी पुस्तकानि, पुस्तकों को पठन्ति, पढ़ते हैं, आज भी सभी उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं। ज्ञान समृद्धा च भवन्ति, और क्या करते हैं, पुस्तकों को पढ़ के अपने ज्ञान को समृद्ध करते हैं, ज्ञान समृद्धा च भवन्ति। नेहरू लेखक भी थे, उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, नेहरू साहित्य में लोकप्रिय थे, नेहरू का साहित्य लोकप्रिय था, वे आज भी उनका साहित्य, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें लोकप्रिय हुई थी, और लोकप्रिय पुस्तकों में हैं भारत की खोज, विश्व साहित्य की झलक, पिता के पत्र पुत्री के नाम, मेरी कहानी, ये सभी हमारे जवाहरलाल नेहरू के और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा रचित हैं। आप इसको ढूंढ कर आप अपने कॉपी में लिखेंगे, इनके द्वारा रचित पुस्तकें और साहित्य, और कारागार में रहकर, स्वतंत्रता के लिए जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, कारागार में रहकर भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, और उसी रचनाओं में उन्होंने अपनी पुत्री के नाम जो पत्र लिखा था वो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, और हम लोग सभी उसको पढ़े हैं, और हमारे बच्चों, जन जन तक यह लोकप्रिय है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेक्स्ट देखते हैं शब्दार्थ। लेखक का अर्थ है लेखक, अपि का मतलब है भी, आसीत का मतलब है थे, तानी वे, पठंती पढ़ते हैं।
पठंती यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। लट लकार व्याकरणिक शब्द में देखते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में बात कही जा रही है, पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष है पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। मूल धातु क्या है इसका? पठ, पढ़ना। ठीक है, तो इसी तरह से इसका रूप चलेगा हमारा, धातु रूप में है यह, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। इसी तरह से और भी आप लोग धातु रूप में शब्द पढ़ना, खेलना, जाना, आना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको कि आप इस पर रखकर लिख सकते हैं और इसको इसका निर्माण कर सकते हैं, पुस्तक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भू धातु। भू धातु का मतलब है भव। भव इसका रूप चलता है होना। लट लकार यह भी वर्तमान काल में है, भवती भवत भवन्ति, भवसी भवथ भवत, भवामी भवावह भवामह। यहाँ पर भवन्ति का प्रयोग आया है कि सभी ज्ञान समृद्ध होते हैं, भवन्ति। तो यह है हमारा भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगा भवन्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सह बहुवारम कारागारम अपि अगच्छत। वह बहुत बार, बहुवारम मतलब बहुत बार, कारागारम का मतलब होता है कारागार, जेल, अपि का मतलब है भी, अगच्छत मतलब गए। सह बहुवारम कारागारम अपि अगच्छत। 1942 ख्रीष्टाब्दे प्रस्तावः पारितः, भारतं त्यज अयं प्रस्तावः देशे सर्वत्र प्रसरितः। अस्मिन् आंदोलने नेहरू परिवारस्य सक्रियः सहयोगः आसीत्। बालानां चाचा नेहरू अतिप्रियः। अर्थ देखते हैं, सः बहुवारं, वह बहुत बार कारागारं, कारागार भी गए। 1942 ख्रीष्टाब्दे का मतलब होता है सन 1942 ईस्वी में। प्रस्ताव पारितम भारतम त्यज, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। और अयम प्रस्ताव, यह प्रस्ताव देशे देश में सर्वत्र सभी जगह प्रसरित प्रसरित किया गया, या इसको यह प्रस्ताव को सभी जगह पर प्रसारित किया गया। अस्मिन् आंदोलने इस आंदोलन में नेहरू परिवारस्य, नेहरू परिवार के का सक्रियः, सक्रिय सहयोगः आसीत्। नेहरू परिवार का सक्रिय सहयोग था, मतलब नेहरू परिवार ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में सभी जगह अपना मैसेज भेजने का, प्रचार प्रसार करने का, लोगों तक पहुंचाने का उनका योगदान सक्रिय रहा। बाला नाम चाचा नेहरू अति प्रिय, और बच्चों के बीच हमारे चाचा नेहरू बहुत ही प्रिय थे। जैसा कि पहले बताई थी कि बच्चों के बीच प्रिय होने के कारण यह चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चाचा नेहरू और गांधी जी को यहाँ पर देखा जा रहा है, दोनों ही मिलकर हमारे भारत स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च नेता के रूप में इन्होंने गांधी जी के साथ अपना सहयोग प्रदान प्रदान किया। और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भारत रत्न के सम्मान से भी सम्मानित किए गए सन 1955 ईस्वी में। सन 1955 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया। अब इसमें आए हुए शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ है स का मतलब वह, बहुवारम का मतलब है बहुत बार, कारागार जेल, अगच्छत गए, अगच्छत का मतलब होता है गए, और आगच्छत का मतलब होता है आए। ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में,
भारतम त्यज, भारत छोड़ो, प्रसरितः फैल गया। गम, गम धातु है और गच्छ रूप इसका चलता है, यह भूतकाल में लंग लकार में है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छत, अगस्ताम, अगच्छन, अगच्छ, अगस्ताम, अगच्छन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके बुक में भी दिया हुआ है, यह अभ्यास कार्य को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। सर्वप्रथम आपको जो यह पाठ पढ़ाया गया है, इस पाठ के अंदर से ही यह प्रश्न ढूंढा गया है, और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो आप अवश्य ही इसको देंगे। जवाहर लालस्य पितुः किम नाम आसीत, मैं बता चुकी हूँ और पिक्चर भी दिखा चुकी हूँ कि जवाहर लाल के पिता का नाम क्या था। जवाहर लालस्य पितुः किम नाम आसीत, जवाहर लाल के पिता का क्या नाम था। आप अपना स्पीकर अनम्यूट करके यदि आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। जवाहरलाल के पिताजी का क्या नाम था, कोई बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, किसी का जवाब नहीं आ रहा है अभी तक। इनके पिताजी का नाम, हेलो, जवाहरलाल का स्वतंत्र भारत वर्ष के प्रधानमंत्री थे, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैंने पूछा प्रश्न, जवाहरलाल के पिताजी का नाम क्या था। जवाहरलाल पिंटू मोतीलाल है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाहरलाल के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलालस्य पितुः किम नाम आसीत, इसका उत्तर कैसे देंगे संस्कृत में? किम की जगह पर क्या लिखेंगे? मोतीलाल नेहरू। पूरा प्रश्न जैसे का तैसा करेंगे, सिर्फ किम की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मोतीलाल नेहरू नाम की जगह पर हम लोग डाल देंगे। जवाहरलालस्य पितुः नाम मोतीलाल नेहरू आसीत। आ गया समझ में? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। दूसरा प्रश्न है, कमला कस्य धर्म पत्नी आसीत, कमला किसके धर्म पत्नी थी? कमला जवाहरलाल नेहरू पहली अस्थि किसकी पत्नी थी बेटा? कमला जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल बिल्कुल सही, कमला जो थी वह धर्म पत्नी थी। किसकी धर्म पत्नी थी? जवाहरलाल नेहरू जी की, है ना। कमला कस्य धर्म पत्नी आसीत पाठ में भी दिया हुआ है। इनके पिता मोतीलाल नेहरू, इनकी माता स्वरूप रानी, कमला धर्म पत्नी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कमला कस्य धर्म पत्नी, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कमला जवाहर लालस्य धर्म पत्नी आसीत, या जवाहरलाल नेहरू धर्म पत्नी आसीत, कमला जवाहरलाल नेहरू की धर्म पत्नी थी। तीसरा प्रश्न है, स्वाधीन, क्या बोल रहे बेटा, आवाज नहीं आ रही है। स्वाधीन भारते प्रथमा प्रधानमंत्री का आसीत, स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम मंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आसीत। स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आसीत, ठीक है। स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का की जगह पर आप जवाहरलाल नेहरू डाल दीजिएगा थे। स्वरूप रानी कस्य माता आसीत, स्वरूप रानी किनकी माता थी? जवाहरलाल नेहरू माता आसीत।
स्वरूप रानी जवाहरलाल नेहरू की माता थी। ठीक है, जब आप जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, बहन का नाम, पुत्री का नाम, इतने लोगों का नाम यदि लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई, प्रश्न की कठिनाई नहीं होगी, है ना। तो पूछ रहे हैं कि स्वरूप रानी किनकी माता थी। स्वरूप रानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। माता, कस ना कस्य सुता यस इंदिरा मैम। आसीत, किनकी पुत्री इंदिरा थी, बताइए। सुता का मतलब पुत्री होता है, किनकी पुत्री थी इंदिरा। चुनती कस जवाहरलालस्य सुता, जवाहरलाल की पुत्री इंदिरा थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी ना इंदिरा गांधी, यह भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। भारतम त्यज प्रस्तावः कदा पारितः, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था, प्रस्ताव कब से पारित हुआ था, यह कौन से सन से। भारतम त्यज प्रस्तावः कदा पारितः, कब पारित हुआ था यह। सन लिखा हुआ है बुक में, देख लीजिए आप लोग कौन से ईस्वी में है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारतम त्यज प्रस्तावः 1942 ख्रीष्टावदे पारितः, सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट, अभ्यास कार्य में आप लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखते चले जाओगे। संस्कृत में अनुवाद, बालक पुस्तक पढ़ता है, यह अनुवाद करना है आपको। वह आता है, तुम कहाँ जाते हो, श्री गुरु को प्रणाम है, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है, क्या होगा इसका अनुवाद। बालक पुस्तक पढ़ता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बालक पुस्तकम पठति। और इसी तरह से और भी छोटे छोटे अनुवाद दिए गए हैं, अपने प्रयास से इसको पूरा करेंगे। चाचा नेहरू के द्वारा लिखी पुस्तकों के नाम जो मैंने बताया है, और भी आपके द्वारा जो खोजा जाएगा उसका नाम आप लिखेंगे। इसके बाद है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय, अपने बड़ों की सहायता से अपनी मातृभाषा में लिखे। जीवन परिचय बता चुके हैं, और भी यदि आपके पास कुछ जानकारी है तो अपने बड़ों की सहायता से आप उसको हिंदी में लिखेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री से वर्तमान प्रधानमंत्री तक की सूची तैयार करें। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू, और वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो 2014 से अभी तक हमारे प्रधानमंत्री पद पर हैं। और उस बीच में कितने प्रधानमंत्री आए, उन प्रधानमंत्रियों का नाम, कब से कब तक रहे हैं, उनकी सूची आप तैयार करेंगे और व्हाट्सएप में डालेंगे। तो यह है आपका गृह कार्य। क्या बोल रहे बेटा। ठीक है, तो यह था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन जो मैंने आपके समक्ष किया। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और आज की कक्षा यही समाप्त करती हूँ। पुनः मिलते हैं, धन्यवाद। बाय मैम। बाय बेटा।